हेलो फ्रेंड्स, आज देखो कुछ नया सीखेंगे हम। कमरक का अचार, ये हमारे नेबर है निर्मला बेन, वो बनाने जा रहे हैं और उसके लिए चाहिए ये ऐसा मसाला और नमक और हींग और कुछ नहीं। हाँ, आप बताइए आप कैसे बनाएंगे। बस अभी पहले हम ये कमरक को काट लेंगे और काटने के बाद में तेल गरम करेंगे राई का। अच्छा, राई का तेल गरम हो जाएगा, बाद में थोड़ा सा उसको ठंडा होने देंगे, बाद में ये मसाला उसमें मिला देंगे। अच्छा, और हींग और नमक सब अच्छा। सब मिला करके फिर बाद में ये कमरक उसमें ठंडा होने के बाद मिला देंगे। फिर बस फिर बाद में वो मसाला मिला मिक्स करके फिर बर्नी को थोड़ा हींग की धुई देंगे। अच्छा, धुई देने के बाद में उसमें जब धुआं रहेगा तब तुरंत ये मसाला भर देंगे। अच्छा, और उसको चम्मच से निकालने का, हाथ से निकालेंगे तो खराब होने का खतरा रहता है। अच्छा अच्छा, तो बस वैसे तैयार हो जाएगा। ठीक है, हम पूरा बना के आप बताओ, देखेंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मैं कभी नहीं बनाया ये, तो चलो सीखेंगे। हाँ, तो अभी वो मसाला में हम लोग ने धाना डालना है, ऐसा थोड़ा सेक के उसका पाउडर करके, फिर थोड़ी वरियाली भी डालनी है और थोड़ा जीरा भी डालना है, तो उससे और टेस्ट अच्छा लगेगा। हो गया, निकाल दो। धाना निकाल लिया, अभी थोड़ा जीरा सेक के वो भी उसमें मिक्स करना है। वो भी जब थोड़ा खुशबू आने लगे तब तक सेकना है। जीरा सेक के हो गया, अभी वरियाली सौंफ बोलते हैं ना, सौंफ वो भी थोड़ा डालेंगे ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है अचार में, भी उसको भी थोड़ा सेकना है अच्छा सा। फिर सब तीनों को मिला के मिक्सर में पीसना है। जो पैकेट का है ना मसाला, उसमें सब पीस के मिलाना है। ये पैकेट का मसाला है। हाँ, अभी ये देखो हमने मिक्सर में पीस लिया, अभी ये उसमें मिक्स करना है। अभी इसमें और थोड़ा गरम मसाला, अचार का मस्त मस्त टेस्ट आएगा फिर। तेल गरम रखा है, कच्ची गानी का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल बोलते हैं ना वही। लाल मिर्ची पाउडर, वो थोड़ा अचार तो थोड़ा तीखा रहेगा तो अच्छा लगता है। अभी देखो तेल एकदम गरम हो गया है, अभी ये मसाला भी एकदम रेडी है। मसाला में ऑयल डालना है, गरम गरम ऑयल, थोड़ा ध्यान रख के डालना होता है। वो गरम तेल में जैसे मसाला सेक के होता है, आधा लीटर जितना ऑयल उसमें डाला है। कोई भी अचार है थोड़ा तेल अच्छा सा रहेगा तो अचार जल्दी खराब नहीं होता। मस्त खुशबू आ रही है मसाले की। मसाले की सेकाई हो रही है वो गरम ऑयल में। ठंडा एकदम हो जाएगा ना फिर वो मिक्स करना है। कमरक नाम को ऐसा याद रखा मैंने, कमरक ज्यादा मतलब नहीं। अभी ठंडा हो गया है, फैन ऊपर फास्ट चालू रख दिया है, जल्दी ठंडा हो जाए इसे। अभी उसमें कमरक मिला देना है,
कमरक का सेप ही इतना मस्त स्टार जैसा है, देख के अचार खाने को मन हो जाता है। फिर अभी उसको कांच की बोतल में अच्छे से भर के रखना है और चमचा चम्मच से ही लेना है, अभी हाथ उसमें नहीं डालना है। कोई भी अचार है जल्दी ख़राब हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।